हेलो गाइस, स्वतः और चैनल पे मेरा नाम है शिखर फ्रॉम एसएम मेडिकल कॉलेज जयपुर। और गाइस, अब अपन आए द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सलाइवरी सेक्रीशन। अब अपन एक एक कैसे देखते जाएंगे, सलाइवरी सेक्रीशन, इसोफिजियल सेक्रीशन, गैस्ट्रिक सेक्रीशन, पेनक्रेटिक सेक्रीशन, लिवर सेक्रीशन, इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, तो इस तरीके से अब अपन चलेंगे, ठीक है। और गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो मतलब ठीक है, पता नहीं यार, मुझे आज ज्यादा फील आ रही है कुछ पढ़ाने की, और मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा लगा मैंने जब खुद ना पढ़ा, मतलब एकदम स्टैंडर्ड बुक जैसे गाइटन हो गई, गैनम हो गई, तो क्या मस्त पढ़ा है वहां पे। तो मैं ये आज आपको भी बहुत आग लगा के पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैं हमेशा आग लगा के पढ़ाता हूँ, लेकिन आज ज्यादा मजा आएगा। देखो क्या है, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फंक्शंस ऑफ सलाइवा, ये पूछा जाता है जनरली। और एक क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है ये पूछा जाएगा। कभी कभी कहता है थर्ड मतलब छठी इंद्रिया, सिक्स सेंस, कि ये आएगा, क्योंकि यार ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। जिस दिन आएगा आप लोग करके आओगे, मेरा नाम ऊंचा होगा, माई चेस्ट विल बिकम, एक डायलॉग था ना, मतलब छाती चौड़ी हो जाएगी ऐसे करके। तो ओरिएंटेशन क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड्स पहले अपन देखेंगे, सलाइवरी सेक्रीशन फिर देखेंगे, फिर देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या है, फिर मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन, फंक्शन, और लास्ट में न्यूरल रेगुलेशन। तो गाइस मजा आएगा, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे आग लगा के, ठीक है। और गाइस नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करना, एक्चुअली क्या होता है मैं पढ़ाते वक्त फ्लो चार्ट बनाता हूँ जिससे चीजें आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको एग्जाम में लिखना कैसे, लिखना कैसे, तो वो बहुत अच्छे से मैं नोट्स में लिख देता हूँ एकदम ढंग से कि एग्जाम में आप लोग कैसे लिख के आ सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर किस पैटर्न में लिखना है, क्योंकि यहाँ तो मैं बोल ही सकता हूँ, सब कुछ तो नहीं लिख सकता। सो गाइस नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और हाँ आज मैं जीआईटी के नोट्स डाल दूंगा, ठीक है ना, अपलोड कर दूंगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले मैं बताया बात करूँ सलाइवरी ग्लैंड की, तो मेनली आप लोगों को जितनी पता है, मेरे ख्याल से सलाइवरी ग्लैंड आप लोगों को तीन पता है, ठीक है ना, मेनली क्या सबको तीन ही पता है, तीन ही है, ठीक है ना, मेनली तो एक है पैरोटिड, ठीक है, एक सेकेंड ना, तो पैरोटिड, दूसरा है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। तो ये तीन मेनली ग्लैंड्स होती है, और कुछ और भी तरह की होती है, जैसे टाइनी बक्कल हो गई, लेबियल हो गई, कुछ टाइनी टाइनी ग्लैंड्स हो गई, बक्कल, लेबियल, ग्लोसोपलेटाइन, ठीक है ना। तो ये सब आप ऐसे ही न्यूरो एनाटॉमी और हेड नेक फेस में पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो मेनली जो तीन ग्लैंड होती है ये सिक्रीट करती है सलाइवा, क्लियर। अब देखो ये जो सलाइवा सिक्रीट किया है, मेनली इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, एक सीरस सिक्रीशंस, ठीक है, और दूसरा म्यूकस सिक्रीशन। तो दो तरह के सिक्रीशंस होते हैं, सीरस और म्यूकस, ठीक है। ये जो सीरस सिक्रीशन है इसके अंदर मेनली होता है टाइलिन, ये एक अल्फा एमाइलेज है, और ये म्यूकस सेक्रीशन के अंदर होता है म्यूसिन, ठीक है। ये जो टाइलिन है, ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका, ठीक है, और जो म्यूसिन है, ठीक है, वो क्या करेगा, लुब्रिकेशन के लिए मेनली काम आता है। ये मैं अभी आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, जब भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स थी, ओके। अब देखो एक और बात जो मतलब कुछ मतलब ध्यान नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सेरस सेक्रीशन है ये मेनली पैरोटिड करती है, ठीक है ना, और सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ये दोनों करती है, सीरस और म्यूकस सेक्रीशन। जो बाकी छोटी छोटी ग्लैंड थी वो सिर्फ म्यूकस सेक्रीशन करती है, ठीक है, कोई मतलब की बात नहीं लगी मेरे को, ठीक है ना, नी भी याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और ये जो डेली सेक्रीशन है सलाइवा का, ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, 1000 ml, ठीक है, अराउंड डेली सेक्रीशन है, और इसका पीएच है 6 to 7.0, ठीक है, 6 to 7 pH होता है। और ये एक्चुअली जो पीएच है ना, ये टाइलिन के फंक्शन के लिए बहुत काम का है। इस पीएच में जो अपना एंजाइम है टाइलिन, ठीक है, ये बहुत हेल्प मतलब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन एक तरीके से, ठीक है ना, और यही कारण है कि ये जिस पीएच में एक्ट कर रहा है, जब स्टमक में भी जाता है ना ये सलाइवा, तो स्टार्टिंग के जैसे अपने खाना खाया टाइलिन रिलीज हुआ, तो स्टार्टिंग के आधे घंटे तक ये स्टमक में भी एक्ट करता है, और बाद में जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है तो पीएच 1 to 3.5 के अराउंड चले जाता है, तब ये एक्ट करना बंद कर देता है, क्लियर। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको बताया ये था सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है। अब अपन देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ओके। देखो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा मैं आपको बताता जाता हूँ, फटाफट देखना आपको मजा आएगा, ठीक है। ये मैंने बताता एक सलाइवा के अंदर मेनली तो क्या होता है आपको मालूम, ये वाटर, ठीक है, और कुछ एडिशनली अपने होंगे सॉल्यूट्स, ठीक है। ये जो सॉल्यूट्स है,
ठीक है, ये जो सॉल्यूट्स है, ठीक है, सॉल्यूट्स भी दो है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट को क्या लिखते हैं, शायद SC- पता नहीं यार, ये पढ़ा था तब वहां पे नीट करते जब पढ़ते थे याद है। और ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है, ये क्या क्या हुए, टाइलिन, ठीक है, म्यूसिन, IgA, ये सब, इन सबके जो भी फंक्शन है ना, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स, ये जो भी इनके फंक्शन है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लाइपेज, लाइसोजाइम्स, बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, लैक्टोफेरिन एटसेट्रा। गाइस मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, वहां से आप देख सकते, मतलब न इतने भी लिख दोगे तो बहुत है, जरूरी नहीं है कि मतलब नोट्स में लिख दिया, मैं नोट्स की वजह से सारी चीजें पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई नोट्स नहीं लेगा तो उसको दिक्कत आएगी, लेकिन नोट्स लेने से आपको एडवांटेज ज्यादा है, लेकिन आप कभी कोई कंटेंट कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। लैक्टोफेरिन हो गया, एक है कैलक्रिन, अरे यार तो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, एक है कैलक्रिन। गाइस ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा अनोखा वाला है कैलक्रिन, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे अनोखा है, पहले एक बार फंक्शन पढ़ाऊंगा ना जब आपको सारे क्लियर होंगे। तो इस तरीके का कंपोजिशन है सलाइवा का, ठीक है। तो अच्छा, जो बात ध्यान रखने की है वो ये, जो सोडियम और क्लोराइड का जो कंसेंट्रेशन है वो प्लाज्मा के कंपेरेटिव में लेस है सलाइवा के अंदर, और जो पोटेशियम और बाइकार्बोनेट का ये है मोर। और मेरे को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो MCQ में ये पूछेंगे 100%, यहाँ से MCQ बनेगा ही, सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम और HCO3-, क्योंकि ये मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेंट्रेशन है वो यही बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकता है, जो मैं आपको बोला ना एक्सपेक्टेड है, वो ये है कि ये मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन कैसे इन लोगों ने ये चेंजेस किए, ठीक है ना, ये जानना है अपन को, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन देखते हैं, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन, ये देखो, पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये एक तरह का कुछ मैंने सलाइवरी ग्लैंड बनाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर ये तो होगा एकेनी और ये होगा सलाइवरी डक्ट, या आप हिस्टोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन ऑफ सलाइवा है वो दो स्टेज में होता है, एक है प्राइमरी सेक्रीशन, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्रीशन, ये जो प्राइमरी सेक्रीशन है ये होता है बाय एकेनी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के एकेनी सेल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो और ये के अंदर इस तरह के, ठीक है, तो एकिनी हो गए। और जो सेकेंडरी एक और काम होता है वो होता है मॉडिफिकेशन, सेकेंडरीली क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है बाय सलाइवरी डक्ट्स, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में, बाय सलाइवरी डक्ट्स, ओके। अब देखो, जैसे प्राइमरी सेक्रीशन हुआ है बाय एकिनी, इसके अंदर क्या क्या चीज है ये वाली देखने की बात है। एक तो टाइलिन है, मेनली बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एक तो इसके अंदर टाइलिन आ गया, और टाइलिन एक एमाइलेज है, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और HCO3-। अभी मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, सोडियम और क्लोराइड कम है कंपेयर टू प्लाज्मा, और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से रिलीज हुई, ठीक है, तो यहां पे आया अपना प्राइमरी सिक्रीशन, जो जो इसके अंदर चीजें है। अब होता है क्या, ध्यान से देखना, जैसे ही सिक्रीशन पास होता है ना, और यहां से अपने को सलाइवा निकलना है, ठीक है, तो होता क्या है, सोडियम जो है ना वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इन एक्सचेंज विथ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे, सोडियम का क्वांटिटी हो गई यहां पे कम और पोटेशियम की हो गई ज्यादा, साथ में सोडियम थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है, तो इस वजह से क्या होता है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो उस चक्कर में पैसिव रीअब्सॉर्प्शन एक और चीज का होता है, दैट इज क्लोराइड, तो इस वजह से क्लोराइड भी अब सलाइवा में थोड़ा कम हो गया। और क्लोराइड को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि क्लोराइड भी थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, तो वैसे तो HCO3- बाइकार्बोनेट- एक्टिवली सेक्रीट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इन एक्सचेंज विद क्लोराइड भी होता है, ठीक है ना। तो आगे आपको बात समझ में, सोडियम जो है
वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हुआ और थोड़ा बहुत एक्सचेंज हुआ विद पोटेशियम, और जो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आ गया, और HCO3- एक्टिवली सेक्रेट होता है और थोड़ा बहुत क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं, इसलिए पोटेशियम और बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है, सोडियम और क्लोराइड कम होता है सलाइवा के अंदर। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से है मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इतनी सी बात है अभी। ओके, अब जो अपना मेन क्वेश्चन है, ठीक है, देखो मैंने आपको ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया, अब अपना मेन क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सलाइवा, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ सलाइवा देखते हैं, उसके बाद न्यूरल रेगुलेशन भी टॉपिक खत्म। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, देखो फंक्शन ऑफ सलाइवा की अगर बात करें तो पहला फंक्शन, ठीक है, पहला फंक्शन डाइजेस्टिव, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, सलाइवा का मेन रोल जो अपन जैसे GIT पढ़ रहे तो डाइजेस्टिव फंक्शन हुआ, ठीक है, ये किसकी मदद से, टाइलिन की मदद से, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब एक ये सलाइवरी अल्फा एमाइलेज है, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है ना, ध्यान रखना ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ओके, और वन फोर लिंकेजेस में डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय किया मतलब बांट देता है, तोड़ देता है ना, छोटे छोटे पीस कर देता है डेक्सट्रिन्स और माल्टोस के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसका pH 6-7 फेवरेबल है, और इसी वजह से मतलब ये स्टमक के अंदर जो फंडस में फूड होता है ना वहां पे कुछ टाइम तक एक्ट करता है, ठीक है। दूसरा डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा की अगर बात करें तो सलाइवा फॉर्मेशन ऑफ बोलस में भी काम आता है, ठीक है, बोलस को फॉर्म करता है, टेस्ट बर्ड्स में भी काम आता है, क्लियर, टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट कर रहा है तो इसमें भी काम आ रहा है। अगला है लुब्रिकेशन फंक्शन, ठीक है, मेनली, और ये अच्छे से लिख के आना एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने जैसे AKGEN के अंदर देखा था तो बच्चे क्या वैसे लिख के आ जाता, तो टीचर इतना खुल के नंबर नहीं देता, इस स्टाइल से लिखो जिस स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाई करना और नंबर लाना दोनों अलग चीज है, पढ़ाई करना आना चाहिए, है ना, पढ़ाई तो तुम्हें आनी चाहिए, नंबर के पीछे नहीं भागना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं नंबर भी छोड़ दो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो खड्डे में अपना घुसा हुआ है उसको उठाना तो पड़ेगा ही, तो उसके लिए पहले आपको इस जो एजुकेशन सिस्टम इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, वो सीखना जरूरी है, मैं मानता हूं कि मतलब ये एक नॉलेज को टेस्ट नहीं कर सकता लेकिन सीखना, ठीक है ना, इस तरीके से लिख के आना। लुब्रिकेशन फंक्शन मेनली कौन करता है, म्यूसिन, ठीक है, उसका काम ही लुब्रिकेशन फंक्शन का है, इसलिए वो दो तीन फंक्शन कर देता है, क्या क्या, जैसे एक तो माउथ को क्लीन रखना, ठीक है ना, तो एक तरीके से इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये क्या करता है पूरी ओरल म्यूकोसा को कवर कर लेता है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ये बोलने में भी हेल्प करता है, स्पीच के अंदर हेल्प कर दी इसने, क्योंकि ना मतलब समझ रहे, लिप्स और टंग का एकदम अच्छे से फैसिलिटेशन हो पाता है, ठीक है। और क्या करता है, ये लुब्रिकेशन कर ही रहा है फूड का, तो इस वजह से स्वॉलोइंग भी आराम से हो पाती है। तो ये एक्चुअली सलाइवा का एक लुब्रिकेशन वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो डिफेंस फंक्शन, सलाइवा अपनी बैक्टीरिया सीडल, ये बैक्टीरिया जो वायरस, इन सबसे भी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारा मतलब ओरल अल्सरेशन जो छाले होते हैं मुंह के अंदर, बकल इन्फेक्शन, डेंटल कैरीज, है ना, ये नहीं होती क्योंकि अपना सलाइवा सेक्रेट होता रहता है, जिनके अंदर सलाइवा सेक्रेट नहीं होता उनके अंदर छाले वाले बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो जैसे सलाइवा के अंदर अपना लाइजोजाइम्स, ये एक बैक्टीरिया सीडल है, क्लियर, एक है अपना मैंने आपको बताया IgA एंटीबॉडी, ये मतलब बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट चलती है, ठीक है। एक है लैक्टोफेरिन, ये क्या करता है, एक मतलब आयरन को बाइंड करता है, इस वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये दोनों बैक्टीरिया सीडल है, ठीक है। थायोसाइनेट SCN-, ठीक है, हो सकता है गाइस गलत हो लेकिन आप थायोसाइनेट लिख देना ना, मेरे को जहां तक ध्यान नहीं आ रहा अभी, ये ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था अपने नीट के अंदर, थायोसाइनेट, तो ये भी एक्चुअली क्या है, बैक्टीरियो सीडल है। तो गाइस आपको आई बात समझ में, तो ये तो थे डिफेंसिव वाले फंक्शन, ठीक है, तीन तो ये हो गए। ओके, अब मैं बात करूं बफरिंग एक्शन, ठीक है, पांच फंक्शन बताऊंगा टॉप टॉप के, ऐसे कचरा नहीं बिल्कुल ही, एक ही फालतू की बात घुमाने ही जा रहा हूं। बफरिंग एक्शन, अब इसके बफरिंग एक्शन में कौन कौन आता है, HCO3-, ठीक है ना, ये सब क्या है, बफर की तरह एक्ट करते हैं, SPO4-, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये क्या बफर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो पीएच है, ठीक है ना, जैसे कि ये जिस पीएच पे ये क्या कर रहे, बफर की तरह एक्ट कर रहे, इसका मतलब ये पीएच को मेंटेन कर रहे, ठीक है। और अगर पीएच मेंटेन है, जैसे अराउंड 7 पे मेंटेन रहता है, 6.5-7 के अराउंड, ठीक है ना, तो होता क्या है, इस टाइम पे जो होता है वो कैल्शियम सेचुरेटेड रहता है, ठीक है, कैल्शियम अपने सलाइवा के अंदर भरा रहता है, तो इस वजह से क्या होता है,
टीथ से कैल्शियम खींचा नहीं जाता, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर अपना सैचुरेटेड जो सलाइवा है उसके अंदर कैल्शियम, अगर मान लो सैचुरेटेड स्टेट में, ठीक है ना, भर भर के कैल्शियम है, तो जो कोई भी काम होगा कैल्शियम का तो अपन इनामेल में से नहीं निकालेंगे ना, टूथ इनामेल में से। तो इस वजह से मतलब एक तरीके से टूथ इनामेल प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। और ये जो मैंने बताया बफर कर रहे, ये जो बफर एक्शन है इनका, ये हार्ट बर्न से भी बचाता है। हार्ट बर्न मतलब समझते हो, कभी कभी क्या होता है जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है खुल जाता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो इसोफेजियस में आ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है। तो इसे कहते हैं ना रिगर्जिटेशन, कहते हैं इसे एनाटॉमी में रिगर्जिटेशन। तो ये क्या, ये बफरिंग एक्शन देता है, मतलब वहां पे जो गैस्ट्रिक है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, क्लियर। इसका अदर फंक्शन की अगर अपन बात करें, एक और एक अच्छा फंक्शन है क्या, कि ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, किसके, जैसे अल्कोहल, ठीक है, मॉर्फिन, तो ये कुछ ड्रग्स है जिसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, क्लियर। ओके सो गाइस, ये था फंक्शन, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो गई लेकिन मैं आपको सब चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये ध्यान रखना जीआईटी में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, मतलब जीआईटी में थोड़ा सा ट्रेंड अलग चलता है। जीआईटी में मेनली हर टॉपिक में से क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चिंता मत करो, मैं आपको कम टाइम में सारी चीजें करा ही रहा हूँ, और फिर भी आप लोग मेरी वीडियो स्किप कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये इंसान कितना बोल बोल कर रहा है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ कम टाइम के अंदर, इतना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं कोई चीज आपकी छोड़ नहीं रहा। और इन सब चीजों का फायदा बहुत मिलता है। अभी आप लोग सोचते हो कि डॉक्टर बनने में क्या काम आ रहा है, अरे जब आप फार्मा, पैथो, जनरल मेडिसिन ये सब पढ़ोगे ना, आपको इतना बेनिफिट्स मिलेंगे, आप जिंदगी में मुझे याद करोगे कि अच्छा हो भाई साहब आपने मुझे पढ़ा दिया था, समझ रहे हो। ये बहुत फायदे है, ये अभी आपको नहीं आएंगे समझ में, मुझे मालूम है अभी आपकी नजरों में मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है। तो अगला है न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ से पता क्या आती है, जो आपके मतलब ऑलमोस्ट अपने टीचर्स को भी नहीं ध्यान होगी, आता होगा उनको लेकिन सब भूल गए होंगे, ध्यान देना। न्यूरल रेगुलेशन वैसे तो देखो एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ोगे, इसलिए मैं नर्व्स वर्स के यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं, और इसी वजह से फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये एनाटॉमी के अंदर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमेशा पूछा जाता है नर्वस रेगुलेशन ऑफ सलाइवा, है ना, या फिर न्यूरल सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है ना। तो वो हमेशा एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूरल एनाटॉमी या हेड नेक फेस में आप पढ़ोगे। तो यहाँ अपन ये नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं देखना। देखो अब सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। अब सलाइवा सीक्रेट हो रहा है इसका मतलब उसको बनाया गया, इसके अंदर इतनी सारी चीजें, लैक्टोफेरिन, थायोसाइनेट, सोडियम, पोटेशियम, सारी तरह की चीजें ना इसके अंदर, समझ रहे हो, आईजी है, तो ये सब चीजें बनाई गई है, एंटीबॉडीज और लाइजोजाइम। तो क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं ना, उनको चाहिए होता है एक्टिव ब्लड सप्लाई, एक्टिव ब्लड सप्लाई कह लो या कह लो वेजोडाइलेशन, ठीक है ना। तो सलाइवा पता है क्या करता है, सलाइवा एक और चीज बनाता है जिसका नाम है कैलिक्रिन, ठीक है ना, क्या नाम है, कैलिक्रिन। तो ये जो कैलिक्रिन है, ठीक है, कैलिक्रिन कह लो, कैलिक्रिन है, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर एक चीज होती है, क्या होती है, ब्लड के अंदर होता है, क्या था, एक अल्फा टू ग्लोबुलिन, हाँ एक अल्फा टू ग्लोबुलिन होता है ब्लड के अंदर। ये जो कैलिक्रिन है इस अल्फा टू ग्लोबुलिन को तोड़ता है ब्रेडिकाइनिन के अंदर, ठीक है ना। और ये जो ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है, ये वेजोडायलेटर की तरह एक्ट करता है, ये जो ब्रेडिकाइनिन है ये एक एक्टिव वेजोडायलेटर है। तो ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है कैलिक्रिन का, ये सलाइवा ही देता है जिससे इसको ब्लड ब्लड ज्यादा आए और ये ज्यादा से ज्यादा और सलाइवा सिक्रेट कर पाए। तो समझ लो क्या भयंकर कॉन्सेप्ट है, 99.99% क्लास में आपके बच्चे नहीं बता पाएंगे कि कैलिक्रिन भी होता है सलाइवा में, और इसका फंक्शन देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। गाइटन ने एक अच्छा सा पैराग्राफ दिया इसके ऊपर, ये फील होती है यार, मतलब समझ लो पढ़ाई में एक फील आनी चाहिए, साला अलग पढ़ेंगे, दुनिया से कुछ हटके पढ़ेंगे। और पढ़ाने के लिए मैं हुई आपका सेवक आशीष अग्रवाल, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ सलाइवा बताया था, अब इसके सारे फंक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो देखना, देखो सबसे पहले सोडियम, ये ध्यान रखना सोडियम क्लोराइड कम होता है, पोटेशियम H3O- ज्यादा होता है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने ये, अब एक एक करके वापस अपन रिवाइज कर सकते हैं। H3O- क्या कर रहा था, बफरिंग, फॉस्फेट भी बफरिंग और प्रोलिन रिच प्रोटीन भी बफरिंग, ठीक है। कैल्शियम क्या कर रहा था, डेंटल कैरीज नहीं होने दे रहा था, ध्यान आया, ठीक है। अगला जो HCN-, ये क्या है, बैक्टीरियो सिडल, IgA, ये वायरस और बैक्टीरिया को मारता है। और लैक्टोफेरिन बैक्टीरियोस्टैटिक, लाइजोजाइम बैक्टीरियोसिडल। और अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव फंक्शन की, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो टाइलिन, ठीक है, और लाइपेज दोनों डाइजेस्ट करता है। और लुब्रिकेशन फंक्शन म्यूसिन, ठीक है, और ये बफरिंग कर रहा है। कैलिक्रिन एक वैसोडायलेटर, इसका काम ध्यान रखना, ये कोई नहीं लिखता ये चीजें यार, फील लाओ यार, आप MBBS बन रहे हो, आग लगा दो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, गाइस कमेंट करके बताइए, पूरा मुंह पसीने में हो गया,
लाइट वाइट लाइट तो नहीं, पंखा वंखा पूरा बंद करके बैठना पड़ता है क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है यार, अपने पास कोई माइक वाइक तो है नहीं, तो माइक होता तो क्या होता है डिस्टर्बेंस नहीं आता, लेकिन अपने क्या लो बजट लोग हैं, कुछ मिलता विलता है नहीं, सेवा करने के लिए आया था यूट्यूब पे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरी मेहनत मेरी सफल हो जाती है, कमेंट करके बता यार, आजकल बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हैं लोग यार, पूर्वी राधा और नाम याद नहीं आ रहे, आकिफ, ये सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, साक्षी गोयल, हिमांशु, बहुत मतलब दिल जीत लिया तुम लोगों ने यार। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं में, क्या बोलता हूँ यार, मैं भी कभी कभी पागल हो जाता हूँ, इसे कहते हैं लुब्रिकेशन, म्यूसिन का फंक्शन, वाह मजा आ गया। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मुझे पता है लास्ट में मैं पागल लग रहा था, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना लास्ट की बातों को।